बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बिहेवियर को स्टडी करेंगे कि मैमल्स का बिहेवियर कैसे इफेक्ट करता है और किस किस तरीके से वो बिहेव करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। तो बिहेवियर ऑफ द मैमल जो है बेटे, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये इन्हांस करता है, इंक्रीज करता है सर्वाइवल रेट ऑफ द मैमल्स को। इसमें बहुत सारे विजुअल इशारे मौजूद होते हैं जो कि ये कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एक बिल्ली को गौर से देखें, कभी जब वो डॉग का सामना उसको हो या किसी दुश्मन का सामना हो, तो अचानक उसके बाल खड़े हो जाते हैं, उसकी कमर अकड़ जाती है, यानी वो बोस ही बना लेती है, और उसका माउथ ओपन जिसे बुलाने के लिए तैयार हो रही है, वो एक कम्युनिकेशन कर रही है, एक क्लियर मैसेज दे रही है डॉग्स को, ठीक है, या दूसरे पोटेंशियल थ्रेट्स को। इसी तरीके से डॉग्स की जो वैगिंग टेल है वो भी एक मैसेज दे रही है। इसी तरीके से वुल्फ्स, भेड़िया वगैरह जब लड़ते हैं फाइट के दौरान दूसरे भेड़ियों के साथ, तो जब वो हार जाते हैं तो वो वल्नरेबिलिटी शो करते हैं कि यस आई सरेंडर, और वो क्या करते हैं, अपना थ्रॉट या वल्नरेबल पार्ट्स जो हैं वो बैक पे लेट के एक्सपोज कर देते हैं कि ठीक है जी, मैं तुम्हारे आगे हार मानता हूँ, ठीक है। और वो एज अ सबॉर्डिनेट दूसरे मेल्स के सामने हो जाते हैं ताकि दूसरों को वो मैसेज दे सकें और सोशल ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाई ना हो, ठीक है जी। इसके अलावा फेरोमोन्स यूज़ होते हैं मैमल्स के अंदर, जो कि हेल्प करते हैं टू रिकॉग्नाइज मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ एंड द अपोजिट सेक्स एंड फॉर द रिप्रोडक्टिव स्टेट ऑफ अ मेंबर ऑफ द अपोजिट सेक्स। फेरोमोन्स जो हैं वो इंड्यूस करते हैं सेक्सुअल बिहेवियर को, और ये हेल्प करते हैं टू एस्टैब्लिश एंड रिकॉग्नाइज द टेरिटरीज। आपको पता है ना कि मेंबर्स ऑफ मैनी एनिमल्स फॉर्म देयर टेरिटरीज, ठीक है, तो यहाँ पर भी जैसे बर्ड्स में भी था, तो यहाँ पे ये टेरिटरीज मार्क करते हैं और प्रीडेटर्स को भी वार्ड ऑफ करते हैं। अब कुछ जो यंग्स होते हैं मैमेलियन के, वो अपनी पेरेंट्स को, अपने मदर को भी फेरोमोन्स की वजह से पहचानते हैं, उनकी स्मेल की वजह से आइडेंटिफाई करते हैं पेरेंट्स भी अपने यंग वंस को। लाइक बुल एल्क जो होता है वो स्मेल करता है फीमेल्स को ब्रीडिंग सीजन के अंदर, टू रिकग्नाइज देयर ब्रीफ रिसेप्टिव पीरियड, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए उसकी फीमेल रिसेप्टिव होती है, तो उस पीरियड को रिकग्नाइज करने के लिए वो स्मेल करता है, एंड देन दे मेट एंड दे रिप्रोड्यूस। इसके अलावा यूरिनेशन होती है, यूरिनेट करते हैं, पेशाब वगैरह करते हैं, ठीक है, अपनी बेलीज के ऊपर या अंडर हेयर के ऊपर, टू एडवर्टाइज देयर रिप्रोडक्टिव स्टेटस दूसरी फीमेल्स को या दूसरे मेल्स को एडवर्टाइज करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सकें। इसके अलावा मेल मैमल्स यूरिनेट करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, पत्थरों के ऊपर या डिफरेंट चीज़ों के ऊपर एनवायरनमेंट के अंदर, ताकि वो टेरिटरीज बना दें कि ये एरिया जो है ये मेरी टेरिटरी है। और इसके अलावा फीमेल को भी जो है वो आदि बनाते हैं कि वो अकस्टम्ड हो जाएं इन्हीं ओडोर्स के साथ जो कि उनकी यूरिनेशन के थ्रू उस एरिया में थी। इसके अलावा जो रैबिट्स और रोडेंट्स होते हैं वो स्प्रे करते हैं देयर यूरिन ऑन द मेंबर ऑफ द अपोजिट सेक्स, इन्फॉर्म करने के लिए कि वी आर रेडी टू रिप्रोड्यूस, रेडीनेस ऑफ द मेट को आइडेंटिफाई करने के लिए या शो करने के लिए भी यूरिनेशन करते हैं। स्कंक्स जो हैं वो यूज़ करते हैं डिफरेंट केमिकल्स वार्ड ऑफ द प्रीडेटर, प्रीडेटर को भगाने के लिए बदबूदार या इस तरह के केमिकल्स वो स्प्रिंकल करते हैं, स्प्रे आउट करते हैं। ये तो आपके पास फेरोमोन्स और उससे रिलेटेड, ओडोर से रिलेटेड चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं ऑडिटरी एंड टेक्टाइल कम्युनिकेशन के अंदर, बिहेवियर के अंदर। तो ऑडिटरी एंड टेक्टाइल कम्युनिकेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैमल की ज़िंदगी के अंदर। जानवरों के जो ग्रो होते हैं, लाइक हर्ड्स जिनको आप कहते हैं या रेवर कह सकते हैं, झुंड होते हैं, ठीक है, वो इकट्ठे रहते हैं जानवर इस फॉर्म में, तो हर्ड ऑफ एनिमल द स्टे टुगेदर और वो रिमेन काम, लड़ते नहीं हैं, ठीक है, एक पूरा उनका एक ऑर्डर होता है, सोशल ऑर्डर होता है, उसके अंदर वो उसको एक मेंटेनेंस के साथ लेके चल रहे होते हैं, जब तक कि उनकी जो फेमिलियर जिस जो वो साउंड से वाबस्तगी है उनको, जो नॉर्मल है उनके लिए आवाज़ें, जब वो आवाज़ें उनको आती रहें तब तक वो काम रहते हैं, कूल रहते हैं, आराम से अपना ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, किसी भी जगह पर इकट्ठे हुए हुए होते हैं, खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं। वो आवाज़ें कौन सी होती हैं, लाइक बलोइंग, आपके पास चलने की आवाज़ जो होती है हूव्स की, उनके खोर की वजह से, ड्राई ग्रास के ऊपर या लकड़ियों के ऊपर जो आवाज़ आती कर कर की वो, या रंबलिंग डिफरेंट रूमिनेटिंग स्टमक्स की वजह से, जो चबाने चरने की आवाज़ें होती हैं उसकी वजह से, तो ये आवाज़ें जब तक आती रहे तो ठीक है, लेकिन अचानक से अगर उनको ये आवाज़ें आना बंद हो जाएँ, ये अचानक से कोई अनफेमिलियर साउंड उनको आना शुरू हो जाए, तो ये अलार्म होता है और एकदम से फिर वो बिखर जाते हैं या वो इकट्ठे होके किसी और तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, यानी कि ये भी उनका एक बिहेवियर है।
इसके अलावा वोकलाइजेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आम है यहाँ पर, और टेक्टाइल कम्युनिकेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्राइमेट सोशल इंटरेक्शन के अंदर, जिसके अंदर हम लोग भी हैं और मंकीज़ वगैरह भी आ जाते हैं सारे। टेक्टाइल कम्युनिकेशन जो है वो आपके पास प्री ऑक्यूपरेटरी हो सकती है, नोजिंग दैट अकर्स इन मैनी मैमल्स जो ग्रूमिंग में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ग्रूमिंग जो है वो हेल्प करती है टू मेंटेन अ हेल्दी स्किन एंड पीलेज, और इसके अलावा रीइंफोर्स करती है इंपॉर्टेंट सोशल रिलेशनशिप विद द प्राइमेट ग्रुप्स। ठीक है, तो वो जैसे अक्सर आपने देखा है ना, तो एक तो बेटी यहाँ पे हो गया कि प्री कॉपुलेटरी नोजिंग यानी कि इंटरेक्शन जो है टेक्टाइल कम्युनिकेशन का, टचिंग का, कॉपुलेशन से पहले वो एक इंटरेक्शन डेवलप करता है उनके दरमियान में। और दूसरा ग्रूमिंग है, ग्रूमिंग अक्सर आपने देखा होगा मंकीज़ वगैरह के ग्रुप के अंदर, वो स्किन के अंदर से जिस जूए नहीं निकाल रहे होते, तो वो जो है वो सोशल रिलेशनशिप भी डेवलप करता है और हेल्दी स्किन और जो फर वगैरह है पीलेज वगैरह उसको भी इंसेक्ट्स वगैरह से और बाकी इस तरह के जो पेस्ट वगैरह हैं पैरासाइट्स वगैरह उससे बचाता है। जी नेक्स्ट बिहेवियर के अंदर ही आपके पास एक कैटेगरी आप इसको ले सकते हो, या फिर आप एक यूनिट ले सकते हो कि टेरिटरी जो है ना वो बनाते हैं ऑर्गेनिज्म जो आपके पास। तो इस हवाले टेरिटोरियलिटी जो है आपके पास वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखती है। तो कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, तो लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू टेरिटोरियलिटी। मैनी मैमल्स मार्क एंड डिफेंड सर्टन एरियाज, वो मार्किंग कर लेते हैं कुछ मखसूस एरिया की ताकि दूसरे मेंबर्स जो हैं उसी स्पीशी के वो इंट्रूड ना कर सकें उसकी बाउंड्री को, वो एक ही ग्रुप को एक फैमिली के तौर पर लेके चल सकता है। जैसे कि कैट्स जो हैं वो अपना फेस रब करती हैं और नेक जो है ह्यूमंस के ऊपर या फर्नीचर के ऊपर, तो ये बिहेवियर इंटरेक्ट करता है, हम इंटरप्रेट करते हैं एज देयर इफेक्शन, लेकिन एक्चुअली कैट्स जो हैं वो अपना जो है एरिया जो है मार्क कर रही होती हैं, अपनी टेरिटरी मार्क कर रही होती हैं। ठीक है, हमें तो लग रहा था ना कैट लार्ड कर रही है कहीं पे, वो अपना फेस रब कर रही है, गर्दन रब कर रही है, बट एक्चुअली दे आर मार्किंग देयर टेरिटरी। और डिफरेंट ओडोर्स जो होते हैं उनके फेशियल सेंट्स या ग्लैंड से निकल रहे होते हैं, तो वो मार्किंग के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कुछ आपके पास टेरिटोरियल बिहेवियर्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं फीमेल्स को और दूसरे मेल्स को एक्सक्लूड करते हैं। और इसके अलावा जो फेवरेबल साइट्स हैं मेटिंग के लिए या बच्चों को बड़ा करने के लिए वो भी मार्क की जाती हैं। अब जो जिस तरीके से मेल कैलिफोर्निया सी लाइन्स जो हैं आपके पास ज़िलोफोस कैलिफोरियनस, वो इस्टेब्लिश करते हैं टेरिटरीज ऑन दी शोर लाइन्स यानी साहिल के किनारे, जहाँ पे फीमेल्स जो हैं वो बच्चे पैदा करती हैं और तकरीबन 2 हफ्तों तक जो मेल्स होते हैं वो इंगेज रखते हैं वोकलाइजेशन के अंदर, अपने आप को आवाज़ों के ज़रिए आवाज़ ही देते हैं, जाहिर सी बात है, और डिस्प्ले करते हैं समटाइम्स सीरियस फाइटिंग टू स्टेक क्लेम टू फेवरेबल टेरिटरीज। ठीक है, हिफाजत के एतबार से। एंड देन ओल्डर जो आपके पास डोमिनेंट बुल्स होते हैं वो यूजुअली सक्सेसफुल होते हैं इस्टेब्लिश करने में टेरिटरीज, जबकि यंग बुल्स जो होते हैं वो आपके पास जनरली स्विम करते हैं एंड फीड करते हैं ऑफ शोर। ठीक है, और जब ये इनकी अराइवल होती है आपके पास बीचेस के ऊपर, तो जो फीमेल्स होती हैं वो सेलेक्ट करती हैं एक साइट जहाँ पे वो बर्थ का प्रोसेस उनका कंप्लीट हो सके, और सिलेक्शन जो होती है बर्थ साइट की वो आपके पास बुल को भी सिलेक्ट करती है वन वे अदर अदर। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो आगे मज़ीद देखेंगे कि जाहिर सी बात है जब वो साइट सेलेक्ट होगा, बुल सेलेक्ट होगा, तो ऑब्वियसली वो फिर मेटिंग के बाद फादर होगा उनके नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग का। इसके अलावा जो मेटिंग होती है वो आपके पास तकरीबन 2 वीक्स जो होती है, 2 वीक्स के बाद ही इसकी मेटिंग हो जाती है, जब तक जब उसका पहला जो बेबी है वो बॉर्न हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो उसकी हो जाती है डिलीवरी, उसके बाद फिर जो है ये बर्थ हो जाती है, तो उसके बाद फिर 2 वीक्स के बाद इसकी नेक्स्ट मेटिंग भी हो जाती है, लेकिन उसकी डिवेलपमेंट रुक जाती है। मेटिंग हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई, रिप्रोडक्शन हो रही है, लेकिन डिवेलपमेंट रुकी हुई है, प्रोसीड आगे नहीं करेगी, वो तकरीबन 3 महीने तक रुकी रहती है। ठीक है जी, जब तक कि वो जो नए पैदा होने वाले बच्चे जो पैदा हो चुके थे उनकी नर्सिंग में बिजी रहते हैं,
और ये जो मैकेनिज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहलाता है आपके पास एम्ब्रियोनिक डायपोज, एम्ब्रियोनिक डायपोज। ठीक है, तो ये अक्सर पूछ लेते हैं व्हाट इज एम्ब्रियोनिक डायपोज, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एम्ब्रियो तो बन चुका है लेकिन उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही, वो पॉज है। ठीक है, क्योंकि वो जो पहले से उसके जो फर्स्ट उसके जो बैच है बच्चों का वो उसकी नर्सिंग होगी 3 मंथ्स, उसके बाद फिर दोबारा से उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन आगे मूव ऑन करेगी। इसलिए आपके पास कुछ एक्चुअल डेवलपमेंट्स जो होती हैं वो फिर बाद में होंगी लेटर ऑन 9 मंथ्स में, और जो फीमेल होती है वो कैरी करती है एम्ब्रियो एंड फीटस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है जी, वो 1 साल तक तकरीबन इसको फिर कैरी करेगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट इट्स टेरिटोरियल बिहेवियर, कि कैसे वो एक टेरिटरी इस्टेब्लिश करते हैं और टेरिटरी इस्टेब्लिश करने के साथ साथ कौन से ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जहाँ पे, और टेरिटरीज क्यों इस्टेब्लिश होती हैं और ऐसे कौन से बिहेवियर्स होते हैं जिनको हेल्प करते हैं सॉर्ट आउट करने में बिहेवियर्स को। तो दैट वाज ऑल अबाउट द बिहेवियर्स एंड द टेरिटोरियलिटी। होपफुली आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो जानने को मिले होंगे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है, फैक्ट्स जो हैं आपको जानने को मिले होंगे, क्योंकि वी आर ऑल्सो मैमल्स। और अगर आप ये देखें तो मैमल्स के अंदर ये एबिलिटी है कि वो मार्क करते हैं देयर एरिया, और वन वे द अदर एज अ ह्यूमंस वी आर सिविलाइज्ड बट वी रिलेट टू दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स, सो वन वे द अदर हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी टेंडेंसीज हैं। सो लेट्स पॉन्डर ओवर इट। ठीक है जी, आप इसको सोचिएगा और मुझे बताइएगा नेक्स्ट कि इसके अंदर ऐसी कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं जो कि हम बिहेवियर के अकॉर्डिंगली या टेरिटोरियलिटी के अकॉर्डिंगली हम मैच करते हैं विद आर अदर मेट्स ऑफ द ग्रुप। दैट्स फॉर ऑल। थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।